हेलो गाइस, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, आज है क्या 29 जून, और दोस्तों आज आप लोगों का मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2019 का स्कोर कार्ड जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं कि आखिरकार आपको फर्स्ट पेपर में कितने मार्क्स मिले, आपको सेकेंड पेपर में कितने मार्क्स मिले। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, आप लोगों के जो कट पिट कर मार्क्स एक पेपर में 198 रह गए हैं और एक में रह गए हैं कितने, 190। अब यहाँ पर मैं मार्क्स बता रहा हूँ, ना कि टोटल क्वेश्चंस। दोस्तों आपको पता होगा, आपके 100 100 के क्वेश्चन के दो पेपर थे, 100 100 क्वेश्चंस के दो पेपर थे, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर थे, मतलब कि 400 मार्क्स के दो पेपर थे। जी हाँ दोस्तों, एक था आपका सामान्य ज्ञान का और एक था आपका सेकेंड पेपर क्वालिफाइंग नेचर का। ओके, यदि फॉरेस्ट में है तो उनके मार्क्स इसमें जुड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, आखिरकार आप लोगों का जो स्कोर प्राप्त हुआ है, आपको उसके बाद बहुत से कमेंट देखे जा रहे हैं कि सर मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं, मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं, तो क्या रह सकता है इसका कट ऑफ आफ्टर स्कोर कार्ड। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में उसी को डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। लेकिन दोस्तों से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक अवश्य प्रेस कर देना, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं हर एक चीज को। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, और बात कर लेते हैं कि सर आफ्टर आप लोगों का जो स्कोर कार्ड है, इसके बाद एमपीपीएससी 2019 प्रीलिम्स का कट ऑफ क्या जाएगा। तो दोस्तों अभी तक मेरे पास जो जो कमेंट्स प्राप्त हुए हैं, इसमें ये लग रहा है कि मोर देन 80% कैंडिडेट जो हैं वो 50% के नीचे स्कोर ला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट का देखा गया है कि 100 के समथिंग भी मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने बहुत से कमेंट को देखा तो पता चलता है दोस्तों। और आप लोगों को बता दें, यहाँ पर हम एक पोल भी क्रिएट करेंगे जिसमें आप लोग वोट करना कि आखिरकार आपका स्कोर आया है तो कितना। बट वर्तमान की पोजिशन को देखते हुए यहाँ पर कट ऑफ बताया जा रहा है कि आखिरकार अब आपका कट ऑफ क्या जा सकता है वो। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं किसकी, आपके ईवर कैटेगरी की सर ईवर कैटेगरी का कट ऑफ क्या जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, यदि आप ईवर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप मेल हैं, तो दोस्तों यदि आप स्कोर गेन कर रहे हैं करीबन करीबन कितना, जी हाँ दोस्तों, आप ला रहे हैं 65 से लेकर आप 66 के बीच यदि स्कोर ला रहे हैं। आप दोस्तों यहाँ पर मार्क्स ना बताते हुए मैं यहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि इतने आपके राइट हो रहे हैं, मतलब आप इसका दोगुना कर लीजिएगा, 60 दूनी 120 और 10, मतलब कि 130 के समथिंग आदि आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योरली है, 100% है, कोई रोकने वाला नहीं। ओके, आपके मार्क्स यदि 65 से लेकर आपके 66 के बीच राइट हो रहे हैं क्वेश्चन। ओके, ये हुआ किसका, ये हुआ आपकी यूआर कैटेगरी मेल का। अब इसी प्रकार से बात कर लेते हैं कि फीमेल का कट ऑफ क्या जाएगा। तो दोस्तों को बता दें, यदि आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप फीमेल हैं, तो आपका यहाँ पर कट ऑफ कम जाने वाला है। जी आपको बता दें, आपका कट ऑफ बहुत से बहुत जाएगा यदि आप 63 से लेकर 64 के बीच मार्क्स करेक्ट कर रहे हैं। 63 से लेकर 64 के बीच यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है, कोई रोकने वाला नहीं है, आप बिल्कुल तैयारी में लगे रहे हैं जी जान से मेंस की। ओके, तो ये तो हुआ किसका, यूआर कैटेगरी का। अब चलिए फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं कि सर ओबीसी का कट ऑफ क्या जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें, बात करते हैं ओबीसी की। तो फ्रेंड्स, यदि आफ्टर स्कोर कार्ड एमपीपीएससी 2019 प्रीलिम्स एग्जाम में आपने क्वेश्चंस राइट किए हैं कितने, जी आपने यदि क्वेश्चंस राइट किए हैं करीबन करीबन यहाँ पर 64 से लेकर 65 के बीच, यदि आपका इतना स्कोर है, तो समझिए कि आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है। यदि आप 64 से लेकर 65 के बीच क्वेश्चंस राइट करते हैं, ना कि मार्क्स। अब आप मार्क्स का बात करें तो इसको आप 2 से इंटू कर लीजिएगा, आपका स्कोर निकल के आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं किसकी, आप करते हैं बात हम एससी कैटेगरी की, और बात करें क्या ओबीसी गर्ल्स का कट ऑफ क्या जाएगा। तो आपको बता दें, ओबीसी गर्ल्स में आप यहां पर 1 माइनस करके चलिए। ओके, 1 के समथिंग आप माइनस कर लेना, आपको पता चल जाएगा क्या जाएगा। ओके,
करीबन यहाँ पर आपका 63 से 64 के बीच। अब बात करते हैं क्या सर एससी कैटेगरी का कट ऑफ क्या जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें, आप एमपीपीएससी 2019 प्रीलिम्स एग्जाम में आफ्टर स्कोर कार्ड आपका मार्क्स यदि बन रहा है कितना, यदि आप ला रहे हैं यहाँ पर 61 से लेकर 62 के बीच, यदि आपके इतने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं या फिर यूं कहें कि आप 121 या 22 के समथिंग समथिंग मार्क्स बना रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है। आपका 100% श्योरली यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप सिर्फ मेंस एग्जाम पर फोकस करिए, आपका सिलेक्शन 100% डन है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमने जाना किसका, यूआर का, ओबीसी का, एससी का। यूआर का 65 से 66, ओबीसी का 64 से 65 और आपका एससी का 61 से 62। ओके चलिए बात करते हैं एसटी और आपके ईडब्ल्यूएस और पीएच का। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको लेकर आ गया हूँ अगली स्लाइड में और हम बात करते हैं यहाँ पर देखने वाले हैं किसका कट ऑफ। जी दोस्तों, एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और आपका पीएच, इन तीनों कैटेगरी का कट ऑफ किया जाएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एसटी की। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप एमपीपीएससी 2019 प्रीलिम्स एग्जाम में आफ्टर स्कोर कार्ड के बाद आपके मार्क्स बन रहे हैं, आपका स्कोर आ रहा है कितना, यदि आपका स्कोर आ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर करीबन करीबन 60 से लेकर 61 के बीच, यदि आपका इतना स्कोर है, एसटी से बोल रहा हूँ, एसटी से इससे 1 माइनस करके चलना, यहाँ पर मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे आप 1 माइनस कर लेना, चाहे फिर वो आपकी एससी हो या फिर एसटी, यहाँ पर इतना तो आपका बिल्कुल 100% डन है। समझिए आपका 61 से 62 के बीच है, तो आपका 60 से 61 के बीच है, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन डन है, कोई रोकने वाला नहीं है, बल्कि आप एक 1 माइनस करके चलें इसमें। अब बात करते हैं कि सर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ किया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आपको बता दें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपको इस साल, अभी इसका कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है लास्ट ईयर का, बट यहाँ पर आप इसको ओबीसी से थोड़ा ऊपर और आपके जनरल से थोड़ा नीचे, मैं कह सकता हूँ कि इसका कट ऑफ 63 से 64 के बीच ही जाएगा। यदि आपका इतना स्कोर आ रहा है तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर है, डन है, कोई रोकने वाला नहीं। ओके ये तो हुआ किसका, ईडब्ल्यूएस का। अब हम बात करते हैं लास्ट जो कि कैटेगरी बचती है क्या, पीएच, कि आखिरकार पीएच का कट ऑफ किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 एग्जाम्स आफ्टर स्कोर कार्ड के बाद पीएच कैटेगरी से मार्क्स गेन कर रहे हैं कितने। जी दोस्तों, यदि आप मार्क्स ला रहे हैं यहाँ पर आपके 54 से लेकर 55 के बीच, यदि आपका इतना स्कोर आ रहा है, तो बिलीव मी, विश्वास मानिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप दोस्तों यहाँ पर मार्क्स जरूर निकल जाता है मेरे मुंह से, लेकिन इसका तात्पर्य मार्क्स नहीं, आप समझते होंगे, इसका तात्पर्य है आपके क्वेश्चंस इतने राइट होने चाहिए। आप इसमें 2 से इनटू कर लीजिएगा, आपका निकल आएगा क्या, मार्क्स। जैसे कि आपको पता होगा, आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। ओके तो आप यहाँ पर इससे इनटू करके देख लीजिए, आपका मार्क्स निकल आएगा। ओके करीबन 104 से लेकर 110 के बीच यदि आपका यहाँ पर स्कोर है, तो बिल्कुल 100% आपका सिलेक्शन निश्चित है। आप बिल्कुल मेंस की प्रिपरेशन में लग रहे हैं, आपका सिलेक्शन यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है। अब डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे देखा हर एक कैटेगरी का कट ऑफ, चाहे फिर वो आपका यूआर हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, पीएच हो। लेकिन फ्रेंड्स इसके बाद भी मैं यहाँ पर आप लोगों को एक पोल क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें आपको अपना स्कोर बताना है कि सर मेरा इतना स्कोर था। चलिए आपको कैसे क्या कमेंट करना है, मैं आपको वो बताता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको लेकर आ गया हूँ योर एग्जाम गोली के एक कम्युनिटी टैब पर। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर मैंने पोल क्रिएट कर दिया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर हेडिंग में दिख रहा होगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 राइट क्वेश्चंस आफ्टर स्कोर कार्ड, मतलब कि आपके जो राइट क्वेश्चंस हुए हैं कितने राइट हुए हैं आपके स्कोर कार्ड के बाद। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप क्वेश्चंस से काउंट भी कर सकते हैं या फिर मार्क्स से काउंट भी कर सकते हैं। जी दोस्तों, और जल्दी जल्दी में यदि टाइपिंग में एक दो मिस्टेक्स हो भी जाती हैं तो आप उसको हाइड कर दिया करो, आप समझते हैं, जल्दी जल्दी में सब कुछ हो जाता है।
लास्ट वीडियो में मैं बोल कुछ और रहा था और मुंह से निकल कुछ और रहा था, बट आपको जो बताया ट्रूली बताया सत्य बताया तो आप उसको समझ सकते हैं। ओके तो फ्रेंड्स आपके यहाँ यदि आप 55 से लेकर 50 से लेकर 55 के बीच राइट क्वेश्चंस किए हैं या फिर यूं कहें कि 100 से 110 के बीच आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन को चूज करें। यदि आपके 55 से 60 के बीच मार्क्स मतलब क्वेश्चंस राइट हैं या फिर 110 से 120 के बीच मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेकंड ऑप्शन चूज करें। थर्ड ऑप्शन आपका 60 से 65 के बीच क्वेश्चन और 120 से 130 के बीच आपके मार्क्स। इसी प्रकार से फोर्थ है आपका 65 से 70 के बीच क्वेश्चंस राइट हों या फिर आपके 130 से 140 के बीच मार्क्स आए हों। या दोस्तों आपका पांचवा ऑप्शन दिया है यहाँ पर 75 से 80 के बीच यदि आपके क्वेश्चन ठीक हैं और आपके 150 से 160 के बीच मार्क्स यदि राइट हैं तो आपको पांचवा ऑप्शन चूज करना है। तो दोस्तों आप इतना जरूर करें ताकि हमको और अच्छा एनालिसिस मिल सके और हम अच्छे से अच्छा परिणाम आपको बता सकें। तब तक के लिए लेते हैं फ्रेंड्स आपसे विदा। ओके टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।